अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, मैं हूँ आपका भाई, आपका मेज़बान राशिद ख़ान। आप देख रहे हैं अन्नाफे रियल इस्टेट यूट्यूब चैनल और मैं आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। मैं आपके लिए लाया 2.5 मरला डबल स्टोरी फुल फर्निश्ड खूबसूरत और सस्ता घर, वो भी किस्तों पर। हमेशा की तरह आप भाइयों और बहनों से रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पर नए हैं, आप मेरे चैनल अन्नाफे रियल इस्टेट को सब्सक्राइब कर लें। आपके सब्सक्राइब करने से मेरी हौसला अफजाई होती है और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। मैं डेली बेसिस पे नई वीडियो बनाता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि आपके लिए कम कीमत वाले घर और प्लॉट की वीडियोस बनाऊं, और बेल आइकॉन को प्रेस करने से हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। जी नाज़रीन, आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, वीडियो मुकम्मल देखनी है और मैं इंशाल्लाह इस घर की सारी मालूमात आपके साथ वीडियो में शेयर करूंगा। आप भाइयों और बहनों की फरमाइश के मुताबिक कम कीमत वाला ये घर है, रजिस्ट्री इंतकाल वाली सोसाइटी है। आप देख रहे हैं गैराज में विंडो की ऑप्शन है और गैराज में VIP पाउडर रूम की भी ऑप्शन है। आप ये देखें पाउडर रूम में कंट्रास्ट टाइल वर्क है और कमोड की ऑप्शन है, और पाउडर रूम में कॉस्टली एक्सेसरीज यूज़ की गई हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें कॉस्टली एक्सेसरीज यूज़ की गई हैं। नाज़रीन, सोसाइटी में अभी गैस नहीं है, बिजली मौजूद है, पानी ज़मीनी बोर वाला है। नाज़रीन, अब हम आ गए हैं मास्टर बेडरूम में। आप मास्टर बेडरूम की देखें सीलिंग, माशाल्लाह डिसेंट सीलिंग वर्क की गई है और इस घर में वाइट वॉश होने वाला है, वो हम आपको करवा कर देंगे। और इसके अलावा और भी जो छोटा मोटा काम होगा वो भी हम आपको करवा कर देंगे, यानी फुल फर्निश्ड घर आपको देंगे। और जी नाज़रीन, इस घर में सेमी वुडन डोर्स का यूज़ किया गया है, या आप देखें सेमी वुडन डोर्स। और अब हम चलते हैं वेंटिलेशन प्लस वॉशिंग एरिया की तरफ। ये वेंटिलेशन प्लस वॉशिंग एरिया है, इसमें भी सेमी वुडन डोर यूज़ किया गया है। या आप देखें वेंटिलेशन एरिया और ये वॉशिंग एरिया, इसमें मोटर पंप भी आपको लगा कर देंगे। अटैच वाशरूम है, वाशरूम में भी कंट्रास्ट टाइल वर्क यूज़ की गई हैं और कॉस्टली एक्सेसरीज यूज़ की गई हैं। इस वॉशरूम में इंडियन सीट की ऑप्शन आपको मिलेगी। नाज़रीन, इस घर की मैं लोकेशन की बात करूं तो ये घर न्यू ग्रीन सिटी आलू रोड गज्जू मत्ता फिरोजपुर रोड लाहौर में वाकिया है। नाज़रीन, ये घर गज्जू मत्ता मेट्रो स्टेशन से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर वाकिया है। या आप देखिए ओपन किचन, माशाल्लाह खूबसूरत किचन है, कैबिनेट्स वर्क कम्प्लीटली है और इस किचन में लकड़ी का काम खूबसूरत किया गया है। या आप देखिए टाइल वर्क, और ये सिंक मिक्सर देखे, माशाल्लाह स्टील में सिंक मिक्सर यूज़ किया गया है और टाइल वर्क किचन में यूज़ की गई हैं। और ये मार्बल फ्लोरिंग भी आप देखें, और VIP किचन, कॉस्टली शीट यूज़ की गई हैं। और नाज़रीन, ये घर गज्जू मत्ता मेट्रो स्टेशन से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर वाकिया है। अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पर। फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए सेपरेट स्टेयर गैराज से दी गई हैं। या आप देखें सेपरेट स्टेयर, और स्टेयर पर स्टील रेलिंग का इस्तेमाल किया गया है और स्टेयर पर मार्बल फ्लोरिंग की गई है। ये अब हम आ गए फर्स्ट फ्लोर पर। ये देखें फर्स्ट फ्लोर का बेडरूम, और इसमें एलुमिनियम की विंडो की ऑप्शन है। ये देखें आप टेरेस, छोटा सा टेरेस है। या आप टेरेस से गली का व्यू देखें, माशाल्लाह सराउंडिंग एरिया में घर बने हुए हैं। ये घर मस्जिद, पार्क, स्कूल के करीब, कमर्शियल मार्केट के करीब ये घर है। या आप सेकंड किचन देखें, VIP किचन है। इस किचन में भी कॉस्टली शीट्स का इस्तेमाल किया गया है और VIP सिंक शॉवर लगाया गया है। न्यू ग्रीन सिटी में ये घर मौजूद है, ये ओपन एरिया है। या आप तीसरा वॉशरूम देखें, यह वॉशरूम भी VIP वॉशरूम तैयार किया गया है। नाज़रीन, दोबारा मैं इस घर के लोकेशन की बात करूं तो ये घर न्यू ग्रीन सिटी आलू रोड गज्जू मत्ता फिरोजपुर रोड लाहौर में वाकिया है। जी नाज़रीन, अब हम चलते हैं छत पर। छत पर जाने के लिए यह आप देखिए स्टेयर पर स्टील रेलिंग का इस्तेमाल किया गया है, और यह आप न्यू ग्रीन सिटी का व्यू देखें, सराउंडिंग में घर बने हुए हैं और तमाम घरों में फैमिलीज मौजूद है, मुकम्मल आबाद सोसाइटी है। जी नाज़रीन, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।